हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन्स एंड लवर्स, नॉवल बाय डीएच लॉरेंस। इनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, और ये जो नॉवल है इसको 1913 में पब्लिश की गई थी। और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, प्लस एक साइकोलॉजिकल नॉवल भी है, क्योंकि इसमें बताया गया है एक फैमिली के आपस में रिलेशनशिप्स के बारे में, एक लव रिलेशनशिप, इमोशनल अटैचमेंट, इन सब के बारे में बताया गया है। इस नॉवल में 15 चैप्टर्स है, तो मैं हर चैप्टर का तो आपको डिटेल समरी नहीं दे सकती, बट एक ओवरव्यू समरी है ये इस वीडियो में, जिसे सुन के आपको शायद से इतना समझ आ जाएगा कि इस नॉवल में एक्चुअल में है क्या। एंड अगर हम इसके सेटिंग की बात करें तो सेटिंग इसका नॉटिंगहम शायर कोलफील्ड्स दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें नॉवल में जो फैमिली दिखाई गई है वो है मॉरल फैमिली। मॉरल फैमिली मेनली एक इंग्लिश वर्किंग क्लास फैमिली है। और इसमें पहले तो हम बताते हैं गर्ट्रूड मॉरल के बारे में। गर्ट्रूड शादी से पहले एक मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली में थी, और उसके बाद क्या हुआ कि एक कंट्री डांस में वो मिस्टर मॉरल, मतलब वॉल्टर मॉरल से मिली। वॉल्टर मॉरल एक माइनर है, वो माइनिंग का काम करते हैं। तो कंट्री डांस में वो वॉल्टर से मिली, जहाँ पे गर्ट्रूड को लगा कि जो वॉल्टर है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत अट्रैक्टिव है, और उस हिसाब से मतलब थोड़े से रिलीजियस, उनका टेम्परामेंट भी थोड़ा रिलीजियस है, सो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी उनसे। और उस डांस के बाद कुछ महीनों बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, और शादी के कुछ टाइम बाद ही मिसेस मॉरल प्रेग्नेंट हो गई थी अपने पहले बच्चे के साथ। एंड जब वो प्रेग्नेंट थी अपने पहले बच्चे के साथ, तो क्या हुआ कि उनको तब ऐसा फील होने लगा मिसेस मॉरल को कि मिस्टर मॉरल और उनके बीच में बहुत ही कम चीज़ें कॉमन हैं, क्योंकि शादी के बाद उनको बहुत चेंजेस देखने को मिले। मिडिल क्लास से वो एकदम से लो क्लास में आ गई थी, क्योंकि वो जिस घर में भी रहते थे वो तक रेंटेड था, एंड मिस्टर मॉरल बहुत ही मतलब कम पैसा कमाते थे। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद इनका पहला बच्चा हुआ, जिसका नाम था विलियम मॉरल। विलियम के होने के बाद मिसेस मॉरल ने अपना फोकस पूरा विलियम पे शिफ्ट कर दिया। वो विलियम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब विलियम थोड़ा सा मतलब बड़ा हुआ एज में, तो एक दिन मिसेस मॉरल नीचे आके देख रही है कि मिस्टर मॉरल ने विलियम के सारे बाल काट दिए, और ये देख के मिसेस मॉरल बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि विलियम के होने के बाद से उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बल्कि बढ़ गई थी, पहले भी होती थी, अब और ज़्यादा विलियम के होने के बाद बढ़ गई थी। और जब उन्होंने उस दिन देखा कि मिस्टर मॉरल ने विलियम के सारे बाल काट दिए, तो उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लड़ाई हो गई थी दोनों में। उसके बाद क्या हुआ कि मिसेस मॉरल अपने सेकेंड चाइल्ड को लेकर प्रेग्नेंट हुई, और उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था एनी मॉरल। एनी के होने के कुछ टाइम बाद मिसेस मॉरल अपने थर्ड बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई। बट अगर मैं बताऊँ तो मिसेस मॉरल अपने तीसरे बच्चे को नहीं चाहती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये बच्चा पैदा हो। और इस टाइम तक ऐसा हो गया था कि मिस्टर मॉरल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे। तो क्या हुआ कि जब एनी अपने तीसरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी से कुछ टाइम पहले एक दिन उनके उस एरिया में एक मेला लगा था, फेयर लगा था, जहाँ पे विलियम जाना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही मिसेस मॉरल ने विलियम को इतना प्यार दिया था कि विलियम अपने माँ के बिना बिल्कुल अकेला महसूस करता था। अगर उसकी मम्मी उसे छोड़ के 2 मिनट के लिए भी कहीं चली जाए तो वो बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेता था, अकेला हो जाता था वो। तो वो चाहता था कि इस मेले में वो अपने मॉम के साथ जाए। तो मिसेस मॉरल विलियम को उस मेले में लेकर जाती है, और वहाँ पे जाके देखती है कि जो मिस्टर मॉरल है वो वहाँ पे जो बियर टेंट है वहाँ पे बैठ के वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो मिसेस मॉरल ये देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि मिस्टर मॉरल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो और वो वहाँ से वापस घर आ जाते हैं, और उस दिन शाम को फिर मिस्टर मॉरल घर पे आके सो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उनके वहाँ पे एक पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उस दिन फैमिली को टाइम ना देकर मिस्टर मॉरल क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड जेरी पर्डी मिस्टर मॉरल के फ्रेंड थे, जेरी पर्डी के साथ जाके बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जो मिसेस मॉरल है वो जेरी पर्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो उनको सहन तक नहीं कर सकती। तो उस रात जब मिस्टर मॉरल घर वापस आए, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई उस रात को। तो इसमें मिस्टर मॉरल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मिसेस मॉरल को घर से ही बाहर निकाल दिया और अंदर से गेट लगा दिया।
मिसेस मॉरल ने उस टाइम बाहर बैठ के वो बस आसपास के जग मतलब गार्डन को देखते हुए वो इतना ही सोच रही थी कि पहले उनकी लाइफ कैसी थी और अब उनकी लाइफ कैसी हो गई, क्योंकि एक टाइम पे मतलब शादी से पहले मिसेस मॉरल का एक फ्रेंड था जिनका नाम था जॉन फील्ड। जॉन फील्ड ने शादी से पहले मिसेस मॉरल को एक बाइबल गिफ्ट में दिया था, और उन्होंने तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब बाइबल लेके मिसेस मॉरल ने उस टाइम जॉन फील्ड से बोला था कि अगर मैं आदमी होती तो फिर मैं कुछ भी कर सकती थी, तब जॉन फील्ड ने उनको समझाया था कि सिर्फ आदमी होना कुछ नहीं होता, आपको समझ भी होनी चाहिए। और इतना कुछ हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनमें लड़ाइयाँ बढ़ी, कैसे उनकी हालात है घर के, तो ये सब सोचते सोचते उनको बहुत मतलब बुरा लग रहा था। तो फिर वो मिसेस मॉरल कोशिश करती है घर वापस आने की, तो मिस्टर मॉरल उसको अंदर आने देते हैं, बट उससे मिसेस मॉरल से कोई बात नहीं करते और अपने आप मतलब कमरे में जाके वो सो जाते हैं। अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों के बाद मिसेस मॉरल अपने तीसरे बच्चे, इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है मेनली, अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का है, जिसका उसके बाद क्या होता है, मिसेस मॉरल एक दिन अपने तीसरे बच्चे को लेके और अपने बाकी दोनों बच्चों विलियम और एनी को लेके एक पास के पहाड़ पे जाती है और वहां पे जाके बैठती है, और वो अपने तीसरे बेटे के फेस को देखती है और उनको ऐसा फील होता है कि उनका ये वाला बच्चा बहुत ही उदास पैदा हुआ है, उसके शक्ल में बहुत मतलब पछतावा है, उदासी है। तो तब उनको इतना बुरा लगता है, वो सोचती है कि शायद ये इसीलिए है क्योंकि जब ये मेरे पेट में था तब मैं ये सोचती थी कि काश ये बच्चा पैदा ही ना हो। तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत उदास हो जाती है, और वो वहां पे बैठ के इस बच्चे का नाम रखती है पॉल मॉरल। तो वो अपने तीसरे बच्चे का नाम पॉल रखती है। अगर हम थोड़ा आगे आए तो पॉल जो होता है वो जब बड़ा होता है तो पॉल एक बहुत ही सीरियस बच्चा मतलब बन जाता है, एज के हिसाब से वो बहुत ही सीरियस और बहुत दिमाग वाला लड़का बनता है। वहीं पे अगर उनके बड़े वाले बेटे की बात करें विलियम का, तो विलियम बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत दिखने में वो भी हैंडसम होता है। इतने में क्या होता है कि मिसेस मॉरल एक और बच्चे को जन्म देती है, उनका मतलब तीसरा बेटा, जिसका नाम होता है आर्थर मॉरेल। तो इनके टोटल, मिस्टर एंड मिसेस मॉरेल के टोटल चार बच्चे हुए, पहला विलियम, दूसरी एनी, तीसरा पॉल, चौथा आर्थर। तो तीन लड़के और एक लड़की। तो जब आर्थर पैदा हुआ तो आर्थर, मिस्टर मॉरेल को आर्थर से बहुत लगाव हो गया था, वो आर्थर को बहुत प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं मिसेस मॉरेल इस चीज़ से बहुत खुश होती थी, कम से कम इन चारों में से मिस्टर मॉरेल किसी को तो प्यार करते हैं, क्योंकि बाकी तीनों को तो ऐसे तरीके से कभी देखा नहीं, बट आर्थर को तो थोड़ा बहुत प्यार वो करते हैं। अब हम टाइम के साथ आगे चले आते हैं, अब ये बच्चे बड़े हो गए होते, जब विलियम बड़ा हो जाता है तो विलियम को एक जॉब मिलती है, एक क्लर्क की जॉब मिलती है, बहुत ही बड़े एक लंदन के एक बहुत ही बड़े ऑफिस में उसको एक क्लर्क की नौकरी मिलती है, और विलियम बहुत खुशी खुशी इस नौकरी को एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये बहुत उसके लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता था। और ये सुन के मिसेस मॉरल तो बहुत खुश हुई अपने बेटे के लिए कि उसको इतनी बड़ी नौकरी मिली है, पर क्या हो गया था कि मिसेस मॉरल नहीं चाहती थी कि कभी कोई भी उनका बच्चा कभी उनसे अलग हो। तो क्यों, हमको जो जॉब मिली थी उसके लिए उसे अपना घर छोड़ना था, वो वहाँ पे रह के ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता था, उसे लंदन में शिफ्ट होना था। तो मिसेस मॉरल तो पहले बहुत खुश थी, बट वो उनके कहीं ना कहीं उनका दिल टूट गया था ये सोच के कि उनका बेटा अब उनको छोड़ के कहीं और जाके रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो विलियम बहुत बार घर आता था, बीच बीच में बहुत ही कम टाइम में वो घर आने लगता था और अपने फैमिली वालों को पैसे भी भेजता था बहुत सारा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम पास ऑन होता गया, तो वो कहीं ना कहीं उस शहर के लाइफ में ना वो बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिल गया था। और क्या होता था, वो अपने शहरी तौर तरीकों में ही पैसे खर्च करने लग गया था, और वहाँ पे उसे एक लड़की मिली, विलियम की एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम था लुइजा लिली डेनिस वेस्टन। विलियम लुइजा के प्यार में पड़ गया था, तो क्या हुआ, उसने अपने घर में कम पैसे भेजने लग गया, वो अपने गर्लफ्रेंड पे फियांसे पे खर्चा करने लग गया, वो शादी करना चाहता था, और वो लुइजा को लेके अपने घर भी आया था, अपने फैमिली से मिलवाने वो लुइजा को लेकर आया था। बट क्या हुआ कि
जो मिस्टर एंड मिसेस मॉर्टल थे उनको लुइसा बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लुइसा बहुत ज़्यादा अपर क्लास बनने की कोशिश कर रही है, उनके सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही है अपने पैसों का और उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट कर रही है। तो विलियम ने इसके बावजूद मतलब लुइसा को छोड़ा नहीं, वो लोग वापस चले गए, उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा, बट उसने अपनी एंगेजमेंट मतलब ख़त्म नहीं करी। इस अपने फैमिली के डिसीजन के बाद भी वो लुइसा के साथ रहा, और इस चीज़ को देख के मिसेस मॉरल उनको बहुत मतलब डिप्रेशन सा हो गया था। और बाद थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ कि विलियम को एक बीमारी हो गई। वैसे तो इसमें कहीं पे बोला गया उसको स्किन की बीमारी थी, कहीं बोलते उसको न्यूमोनिया हो गया था। तो विलियम की इस बीमारी से डेथ हो गई थोड़े टाइम बाद। और जब उनके पहले बेटे की डेथ हुई, जब मिसेस मॉरल को पता चला कि विलियम अब नहीं रहा, तो वो बिल्कुल ही टूट गई थी। मतलब सोचो उसके उनकी ऐसी हालत हो गई थी, उनके लिए उनकी दुनिया ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो किसी तरह मिसेस मॉरल ने अपने आप को संभाल रखा था। इतने में हम आते हैं इनके तीसरे बेटे पॉल पे। क्या है कि पॉल तो बहुत इंटेलिजेंट था, उसको नॉटिंघम में जहाँ पे ये लोग रहते थे वहीं पे उसको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, और वो वहीं पे काम करता था। अपने कलीग्स के साथ भी वो बहुत अच्छा बिहेव करता था, और वो चाहता था कि कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने मम्मी को मतलब मिसेस मॉरल को विलियम के डेथ के इस मतलब सदमे से बाहर निकाले। तो वो दिन रात मेहनत करता था कि वो अपने मॉम का अटेंशन जीत पाए। बट इतने में क्या हुआ कि पॉल को भी न्यूमोनिया हो गया, और जैसे ही मिसेस मॉरल को पता चला कि उनके दूसरे बेटे पॉल को भी न्यूमोनिया हो गया, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि मैंने अपना एक बेटा तो खो ही दिया है, अब मैं पॉल को नहीं खो सकती। और वो बहुत ज़्यादा डर गई कि उनको ऐसा लगा कि मैंने पॉल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। और क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब पॉल के पास आ गई, और पॉल के साथ मतलब वो रहने लग गई, पॉल की पूरी देखभाल करी, अच्छे से सेवा करी कि वो सही हो जाए, और पॉल ठीक भी हो जाता है। मतलब फिर उसकी मॉम को इतना फील हुआ कि विलियम के बाद अगर वो किसी से बिल्कुल पूरी तरह अटैच्ड है तो वो पॉल ही है, जिसके सहारे अब वो मतलब जी सकती है। तो जब वो अपने बीमारी से निकल रहा था, बीमारी से निकलने के थोड़े टाइम तक उसको उसके ऑफिस से छुट्टी मिली थी। तो उस टाइम वो क्या करता था कि उसके वहाँ पे घर के पास जहाँ पे वो रह रहा था उस टाइम, वहाँ पे एक मतलब फार्म था। वो फार्म के जो मालिक थे वो एक फैमिली का था जिनका नाम था द लीवर्स। लीवर्स का वो फार्म था जहाँ पे वो बार बार जाता था, और वहाँ पे लीवर्स की एक बेटी थी जिसका नाम था मिरियम। मिरियम लीवर से उसकी एक मतलब दोस्ती हो गई। वो दो मिरियम थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लड़की थी, बहुत भक्ति श्रद्धा उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि बट मिसेस मॉरल को क्या हो गया, पॉल पे गुस्सा आने लग गया, क्योंकि पॉल अब थोड़ा बहुत टाइम मिरियम को देने लग गया था, क्योंकि दोनों में प्यार हो गया था। मिसेस मॉरल सोचती थी कि जो मिरियम है, जो लड़की है, ये पॉल के वो उनके बेटे पॉल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो उसके बेटे को बिगाड़ देगी, उससे उसके बेटे को छीन लेगी। तो मिसेस मॉरल बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी मिरियम को। पर यहाँ पे अगर पॉल और मिरियम की बात करें तो इन दोनों में ना कहीं एक ऑकवर्डनेस थी। दोनों तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, पर कोई इस चीज़ को मानना नहीं चाहता था, और फिजिकल इंटीमेट भी नहीं हुए थे ये लोग, एक फिजिकल ऑकवर्डनेस भी थी इन दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं मिसेस मॉरल ये सब चीज़ें नोटिस करती थी, ऑब्जर्व करती थी, और वो कहीं ना कहीं चाहती थी दिल में कि इनके बीच किसी तरह मतलब सब कुछ टूट जाए, क्योंकि मिसेस मॉरल बहुत जेलस हो रही थी कि उनका बेटा कहाँ जॉब से आके उन्हें टाइम देता है, बट अब वो क्या करता है, जॉब से आने के बाद वो कभी कभी मिरियम से मिलने जाता है। तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा टाइम भी अब वो मिरियम को देने लग गया, और वो ये सब नहीं चाहती थी कि उनका टाइम वो किसी पॉल किसी के साथ भी शेयर करे। यहाँ पे क्या होता है कि पॉल का क्लर्क होने के साथ साथ उसका एक अपना पैशन इंटरेस्ट होता है पेंटिंग में, तो वो जॉब से आने के बाद कई बार पेंटिंग भी करता था। जब वो पेंटिंग करने लगा तो थोड़े टाइम बाद मिरियम को अपने आप में ये रियलाइज हुआ कि वो पॉल से प्यार करती है, बट वो ये भी सोच रही थी कि वो प्यार करती है तो क्या वो पॉल से फिजिकल इंटीमेट वो नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर वो इंटीमेट हुई तो ये उसके रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ होगा, तो वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। मिरियम क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि वो पॉल को अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताएगी, वो
उसे एंड सेकेंडली मिसेस मॉरल जो थी पॉल की मम्मी, वो तो बिल्कुल जेलस थी अलग ही लेवल पे। उनको तो यही लगता था कि ये मेरे बेटे पॉल को बिगाड़ देगी ये लड़की, तो कहीं ना कहीं इनके बीच जो भी है वो सब टूट जाए। तो इसी टाइम के आसपास क्या होता है कि क्योंकि पॉल का बहुत अच्छा, मतलब उसका पैशन था, इंटरेस्ट था पेंटिंग में, तो वो अपनी पेंटिंग, एक एग्जीबिशन होता है नॉटिंगम में, तो वो अपनी पेंटिंग वहां पे देता है एग्जीबिशन के लिए, एंड पॉल उस पेंटिंग के लिए प्राइज भी जीतता है। तो एक रात क्या होता है, जब वो मीडियम से उस एग्जीबिशन के वहां पे मिलता है, तो वो देखते हैं कि मीडियम के साथ उसकी एक मैरिड, मतलब फ्रेंड भी है, जिसका नाम है क्लैरा डेविस। तो जो क्लैरा डेविस थी वो एक मतलब मैरिड वुमेन थी, उसके हस्बैंड का नाम था बैक्स्टर डेविस। तो जो बैक्स्टर थे वो उसी फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ पे पॉल काम करता था, एंड पॉल सोचता है कि कैसे बैक्स्टर ने उसके ऑफिस के फर्स्ट डे पे ही पॉल पे वो चिल्लाया था, उससे रूडली उसने बात करी थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो क्लैरा डेविस और बैक्स्टर डेविस है, ये है तो हस्बैंड वाइफ, बट ये सेपरेट होके रहते, ये साथ नहीं रहते, ये डिवोर्स भी नहीं है, बट ये साथ नहीं रहते, पर ये मैरिड है। सो अब इतने में क्या होता है कि पॉल के दिल में भी मिरियम के लिए फीलिंग्स आने लगती है। तो ये दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे रिलेशनशिप में आना, पॉल और मिरियम, बट क्या होता है कि इन दोनों को समझ में नहीं आता कि हम अपने रिलेशनशिप को नाम कैसे दें। और पॉल फिर एक दिन इतना इरिटेट हो जाता है कि वो मिरियम पे बहुत चिल्लाता है कि ये तुम्हारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, जो मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और इतने में क्या होता है कि मिरियम को तो बुरा लगता ही है क्योंकि वो पॉल के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रही, क्योंकि वो उसके रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ था। बट फिर भी वो पॉल को समझाती है कि वो उसके लिए अच्छी है, वो उसके लिए अच्छी लड़की है, कि मैं। और जब एक रात क्या होता है कि पॉल मिरियम के साथ तो बाहर गया हुआ होता है, तब उसको खबर आती है कि जो पॉल की मॉम है मिसेस मॉरल, वो बीमार हो गई है। तो वो एकदम से जब जल्दी जल्दी घर वापस आता है, आके देखते हैं कि उसकी जो बहन है एनी, एनी अपनी माँ का ख्याल रख रही होती है, और एनी को इतना गुस्सा आता है पॉल पे कि वो मतलब चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी माँ को ऐसे बीमार हालत में यहाँ से छोड़ के चले गए हो। ये सब हालत देख के और एनी की बातें सुन के पॉल को ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये मिरियम के वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं मिरियम मेरे को मेरी माँ से अलग कर रही है। तो वो क्या होता है कि वो मिरियम से अपने सारे रिश्ते खत्म करने की बात करता है कि उससे अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। बट ये सब होने के बावजूद क्या होता है, पॉल बार बार उनके जो उनका जो खेत है, जो द लीवर्स का जो फील्ड है, वो बार बार वहां जाता है, क्योंकि मिरियम का एक भाई है जिसका नाम है एडगर लीवर। तो एडगर जो है वो पॉल का फ्रेंड है, तो वो एडगर से मिलने बार बार उनके खेत में जाता था। वहीं पे जाके क्या होता है, वो मिरियम से अपना कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ पाता। इतने में क्या होता है, मिरियम एक दिन पॉल को इनवाइट करती है एक दिन दोपहर में कि तुम आओ, जो मेरी फ्रेंड है क्लारा डेविस, हम उनके घर टी पार्टी के लिए चलेंगे। तो पहले तो पॉल मना करता है, बट फिर वो इवेंचुअली मान जाता है जाने के लिए। और वहां पे जाके तो वो ये भी सोचता है, वो क्लारा को भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऑफिस में अच्छा एक्ट नहीं करा था। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है, वो क्लारा को बहुत अट्रैक्टिव, मतलब सोचने लगता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव है क्लारा। अब एक दिन क्या होता है कि पॉल को उसके ऑफिस से एक पार्सल मिलता है जहाँ पे वो काम करता है, कि वो क्लारा को वो डिलीवर करना है, तो वो क्लारा के घर जाता है डिलीवर करने के लिए। वहां पे जाके वो ये देखता है कि जो क्लारा है वो अपने हस्बैंड बैक्स्टर से सेपरेट होने के बाद अपने मॉम के साथ रह रही होती है। उसके मॉम का नाम होता है मिसेज रेडफोर्ड, वो अपने मिसेज रेडफोर्ड के साथ रह रही होती है, जो बहुत दुखी होती है कि उनकी बेटी के पास कोई काम नहीं है और वो अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही है। तो पॉल क्या करता है, अपने ऑफिस में थोड़ा बहुत रेफरेंस देके क्लारा को वहां पे काम के लिए लगा देता है। पहले पहले तो उसका रहना, पहले तो टी पार्टी वाले दिन उसको इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव लगी, बट अब जब वो काम करने लग गई, पॉल को इतना फील हुआ कि हर टाइम काम में ही उलझी रहती है, तो वो उसको बहुत इरिटेटिव लगने लग गई एकदम से। अब क्या होता है, इतने में क्या होता है, गर्मियों के वेदर में ही पॉल क्या करता है, मिरियम से एंगेजमेंट कर लेता है, बट थोड़े हफ्ते बाद वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। एंगेजमेंट तोड़ने के बाद पॉल का रिलेशनशिप हो जाता है क्लैरा डेविस से, पर वो मिरियम से भी अपने पूरे कॉन्टेक्ट नहीं तोड़ता। वो कभी कभार मिरियम से भी मिलने जाता है और वो क्लैरा डेविस के साथ भी होता है। और ये तक हो गया होता है कि जो पॉल है वो क्लैरा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी जाता है। बाद में जब ये बात क्लैरा के हस्बैंड बैक्स्टर को पता चलता है कि क्लैरा और पॉल फिजिकली इंटीमेट हुए थे, तो वो बहुत गुस्सा होता है। और इसके बाद क्या करता है कि एक पब के बाहर बैक्स्टर पॉल को मारना शुरू कर देता है।
इस लड़ाई के बाद क्या होता है, पॉल और बैक्स्टर आपस में उनके अंदर एक बॉन्डिंग हो जाती है, वो दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम के अंदर जो मिसेस मॉरल होती है उनकी उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। अब धीरे धीरे उनका जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो जाता है, और जब वो मतलब छुट्टी पे गई होती है एक जगह जिसका नाम है शेफील्ड, वहाँ पे वो अपनी बेटी एनी के साथ मतलब रह रही होती है अपने बेटी के पास, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और जब उनका चेकअप होता है उनको कैंसर डायग्नोज होता है कि उनको कैंसर है, और जब पॉल को ये पता चलता है कि उसके मॉम को कैंसर है तो वो बहुत डर जाता है कि कहीं मेरी माँ मर ना जाए, तो वो क्या करता है वो भी नॉटिंघम से शेफील्ड चला जाता है और वहाँ पे जाके अपनी माँ की देखभाल करता है। और उसको पता चलता है कि उसी में वहाँ के आसपास जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे जो बैक्स्टर है वो वहाँ पे एडमिट है, क्यों, क्योंकि उसको भी टाइफाइड हो गया होता है। तो पॉल वो सोचता है कि मेरे को जाके एक बार बैक्स्टर से भी उसका हालचाल पूछना चाहिए कि वो कैसा है, तो वो बैक्स्टर से मिलने पॉल हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे जाके वो उसकी हालचाल लेता है, और इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़े कुछ वीक्स बाद जब मिसेज मॉरल की हेल्थ थोड़ी सी सही होती है तो वो अपने घर वापस जाती है। बट सबको ये कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि जो मिसेज मॉरल है अब वो ज़्यादा दिन जिंदा रहने नहीं वाली। और यहाँ पे अगर हम ऐसे बता दें कि जो पॉल है, माना वो अभी भी मिरियम और क्लारा के साथ रिलेशन में है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में है, मतलब क्लारा के साथ रिलेशन में है, मिरियम के साथ नहीं, पर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में है, बट अब वो इन दोनों में से किसी को भी अपना टाइम नहीं देता। वो जितना भी टाइम होता है उसने अपनी माँ के लिए दे दिया होता है, वो पूरे पूरे टाइम अपनी माँ के साथ रहता है। और क्या होता है कि जो मिसेज मॉरल होती है कैंसर की वजह से वो बहुत एक मतलब तड़प तड़प के वो मरती है, एक पेनफुल डेथ का वो शिकार होती है मिसेज मॉरल, यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो जो एनी है, एनी और पॉल है, इन दोनों ने ही आखिरी टाइम पे मिसेज मॉरल का ख्याल रखा था, तो उनको बहुत ही मतलब बुरा लगता अंदर से, वो इस सदमे को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जो मिसेज मॉरल की जो डेड बॉडी होती है उसको उनके पहले बेटे विलियम के साथ ही उनको दफना दिया जाता है। इसके बाद जो मिस्टर मॉरल होते हैं मतलब वो बिल्कुल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, और वो नहीं चाह रहे थे कि अब वो उस घर में रहे जहाँ पे उन्होंने अपने वाइफ के साथ इतने सारे साल बिताए हैं, जहाँ पे उनके इतने मतलब इनके बच्चे पैदा हुए और उनके इतने मोमेंट्स थे। तो वो डिसाइड करते कि अब वो उस घर में नहीं रहेंगे, और पॉल भी यही सोचता है कि अब वो भी उस घर में नहीं रुकेगा। तो दोनों ही वो घर छोड़ के निकल जाते हैं और नॉटिंगम में ही अलग अलग जगह पे दोनों अपना अपना एक लॉज या जो भी एक हॉस्टल वगैरह लेके दोनों बाप बेटे अलग अलग रह रहे होते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब मिसेस मॉरल की डेथ के थोड़े टाइम बाद पॉल एक ट्रिप पे जाता है जहाँ पे वो बैक्स्टर के साथ जाता है, और वहाँ पे वो क्लारा डाविस को भी इनवाइट करता है कि तुम भी आओ और हमें ज्वाइन करो, क्योंकि पॉल क्लारा में अपना सारा इंटरेस्ट हो चुका होता है, अब उसे इन दोनों में से किसी के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है अपने माँ की मौत के बाद, एंड उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि उसको मर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पॉल ये सोचता है कि क्या पता क्लारा के दिल में अभी भी बैक्स्टर के लिए प्यार हो, क्या पता मैं इन दोनों को मतलब एक साथ मिला सकूं। तो ये क्या करता है, इन दोनों को अकेले छोड़ के एक कॉटेज में ये वहां से चला जाता है कि अगर ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या पता ये दोनों फिर से एक हो जाए और ये सेपरेट होके ना रहे। क्लारा भी कहीं ना कहीं पॉल से नाराज थी कि उसने ऐसा करा पॉल के साथ, बट वो अपने हस्बैंड बैक्स्टर से भी प्यार करती थी, और इन दोनों में क्लारा और बैक्स्टर में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और वो मान जाती है कि अब वो दोबारा से अपने हस्बैंड के पास आके रहेगी। तो पॉल तो बहुत डिप्रेस्ड होता है, कई बार वो ये सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है करने के लिए, मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल अकेला हो गया होता है वो, उसके लाइफ में कोई भी नहीं होता। तो एक रात होता है कि वो मिरियम को देखता है, तो वो मिरियम से बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, तो मिरियम उस पहले तो उसको देखती है कि उसकी हालत कैसी सी हो गई है, पहले से मतलब कितना बुरा हो गया है फिजिकली मेंटली, देखकर ही पता चल रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है कि मिरियम भी सोचती है कि अब उन्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए, बट फिर पता नहीं पॉल के दिमाग में क्या आता है कि वो मना कर देता है कि नहीं
मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए किसी से भी। तो मिरियम को फिर बुरा लगता है कि ये कैसा सा लड़का है, तो वो वहां से चली जाती है और ये मतलब सोचती है कि अब वो पॉल की शक्ल कभी भी नहीं देखेगी। तो पॉल क्या करता है, अंधेरे में खेत के बीच में से चल रहा होता है और वो यही सोचता है कि काश मैं भी मर जाता अपनी माँ के साथ, और वो अपनी माँ को बुला रहा होता है और वो ये चाहता है कि वो भी खुद को खत्म कर ले। बट वो कहीं ना कहीं उसका दिल ये भी कहता है कि नहीं, मैं खुद को नहीं मार सकता, मेरे को जीना पड़ेगा किसी तरह, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तो एंड में यही दिखाते हैं कि ये जो पॉल है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, क्योंकि इसकी जो मतलब बहन है वो भी अब अपने लाइफ में बिजी है, वो टीचर बन चुकी होती है। जो विलियम है वो मर चुका होता है, इसके फादर भी चले जाता है कहीं और। जो आर्थर है, जो इनका सबसे छोटा भाई है, आर्थर अब एक मतलब आर्थर बहुत इमेच्योर टाइप का मतलब था नेचर वाइज, और ये आर्मी में घुस चुका होता है और इसने अपनी अलग ही फैमिली बना ली है। बीट्रीस नाम की एक लड़की के साथ इसने शादी भी कर ली होती है, तो ये अपने लाइफ में है। तो अगर कोई अकेला रह चुका होता है, वो एक पॉल ही है जो एंड में अकेला रह चुका होता है, और वो अकेले ही ऐसे अपने घर की तरफ लौट जाता है। यहीं पे हमारा नॉवल एंड होता है। सो अब अगर हम इस नॉवल के थीम्स की बात करें, तो पहला तो जो सेंट्रल थीम है इस नॉवल का वो है द एडिपस कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, जहाँ पे एक बेटा अपने ही बाप का मर्डर कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने मॉम के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे शादी करके रहे। तो कहीं ना कहीं इस नॉवल में भी एडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत इंस्टेंसेस में देखा गया है, क्योंकि जो विलियम और पॉल है वो भी अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। विलियम के जाने के बाद पॉल होता है वो अपना सारा टाइम अपने मॉम को देता है, और इस नॉवल में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि जो पॉल का अपने मॉम मिसेस मॉरल के साथ रिलेशनशिप रोमांटिक वर्ड्स पे जाते जाते रह गया है। ना कहीं पॉल किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाया है सही से, क्योंकि वो अपने मॉम से ही हमेशा अटैच था। तो अपने मॉम के जाने के बाद तो सोचो उसका इंटरेस्ट ख़त्म ही हो गया था, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था किसी में। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल थीम है। एंड अगर सेकेंड थीम की बात करें तो वो है बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब है एक स्लेव बन के रहना। तो इस नॉवल में दो टाइप के बॉन्डेज बताए गए, एक है सोशल एक है रोमांटिक। अगर सोशल बॉन्डेज की बात करें तो जो मिसेस मॉरल थी वो अपने आप को एक सोशल विक्टिम मानती थी कि मैं तो एक औरत बन के ही रह गई, एक माँ बन के ही रह गई। पॉल मिरियम से मिलने लग गया तो वो बहुत जेलस होती थी, काश मेरे को ऐसा औरत बन के ना रहना पड़ता एंड ऑल। अगर रोमांटिक बॉन्डेज की बात करें तो मैं बता दूं कि पॉल किसी से शादी कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो अपने मॉम को लेकर इतना बाउंडेड था, अपने मॉम से इतना अटैच था, इतना अट्रैक्टेड था अपने मॉम से कि वो किसी भी लड़की में मतलब शादी लायक कोई लड़की वो ढूंढ ही नहीं पाया। उसे लगता था उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ है, और जेलसी तो इस पूरे नॉवल का एक मेन पॉइंट है। सो आई होप आपको ये नॉवल समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।